Hello and welcome again in our second lecture. Today we are going to start with our second point, Napier's bonds and slide rule. In the year 1614, a Scottish mathematician called John Napier invented a device for doing multiplication. ईस्वीसन 1614 में जॉन नेपियर ने एक डिवाइस इन्वेंट किया जो मल्टीप्लिकेशन करता था, उसको हम नेपियर्स बोन कहते हैं. नेपियर्स बोन्स वॉज अ सेट ऑफ रॉड्स कार्ड फ्रॉम बोन्स. जो नेपियर्स बोन्स जो डिवाइस जो था वो एक रॉड्स जो होते हैं जो बोन्स से बने हुए होते थे उसका एक सेट था. ईच रोड हैड फोर फेसिस. हर एक रोड पर चार फेस होते थे उसके, चार मुंह वाला होता था वो. मुंह यानी कि हमारे जैसा नहीं लेकिन चार बाजू वाला. द नंबर 0 to 9 वर मार्क्ड ऑन देम इन सच वे दैट यू कुड फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स बाय प्लेसिंग द रोड साइड बाय साइड. और सारे जो रोड्स थे उसके ऊपर 0 to 9 नंबर्स लिखे हुए होते थे. तो अगर हमको प्रोडक्ट करना है तो एनी नंबर्स बाय प्लेसिंग द रोड साइड बाय साइड, कोई भी नंबर को बाजू बाजू में रख कर हम उसका प्रोडक्ट ले सकते थे, प्रोडक्ट यानी गुणाकार. इंस्पायर्ड बाय नेपियर्स बोन्स एन इंग्लिश मैथमेटिशियन कॉल्ड विलियम ओगार्ट इन्वेंटेड अ डिवाइस इन द ईयर 1620. इट वॉज कॉल्ड स्लाइड रूल. इससे इंस्पायर होकर यानी कि प्रेरणा लेकर विलियम ओगार्ट ने 1620 में एक डिवाइस फाउंड किया, इन्वेंट किया, जिसका नाम था स्लाइड रूल. अ स्लाइड रूल कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्ड रूल्स वन फिक्स्ड ओवर द अदर. जो स्लाइड रूल होता था वो दो स्केल से बना हुआ होता था जो एक के ऊपर एक लगी हुई होती थी. These two rules slide along each other so that multiplication, division and even more complex calculations can be easily, quickly and accurately done with the help of the numbers marked on them. तो ये जो दो rules थी, scales थी, उसके ऊपर जो number लिखे हुए होते थे उसको use करके हम multiplication, division और उससे भी ज़्यादा complex calculation जो होती थी वो हम आसानी से और स्पीडी और एक्यूरेटली हम कर सकते थे. बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड फॉर अबाउट 300 ईयर्स साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन यूज द स्लाइड रूल. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के इन्वेंट होने से 300 साल पहले जो ये गणित शास्त्री या वैज्ञानिक होते थे वो स्लाइड रूल का यूज करते थे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज पास्कलाइन. In the year 1642, a young Frenchman called Blaise Pascal invented a mechanical calculating machine for doing addition and subtraction. ईस्वीसन 1642 में एक फ्रेंचमैन थे जो ब्लेज पास्कल उसको बुलाते थे. वो उसने इन्वेंट किया एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, जो एक प्रकार का मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था और वो एडिशन और बाद बाकी यानी कि सब्सट्रैक्शन आसानी से करके देते थे. इट वॉज कॉल्ड पास्कलाइन. उसको हम पास्कलाइन कहते हैं. पास्कलाइन कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ इंटरलॉकिंग कॉक्स एंड व्हील्स ऑन वेरियस एक्सिस. अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं वो पास्कलाइन है जो इंटरलॉकिंग कॉक्स से बने हुए थे. आप नीचे व्हील्स भी देख सकते हैं. एक व्हील घूमने से दूसरे व्हील उसके साथ घूमते थे, अकॉर्डिंग ही घूमते थे. उस तरह की उसकी एक बनावट थी. हाउएवर इन द ईयर 1674 अ जर्मन मैथमेटिशियन कॉल्ड गॉटफ्रिड लेबनिज मॉडिफाइड द पास्कलाइन एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू मशीन विच कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो 1674 में गॉटफ्रिड लेबनिज ने इसके ऊपर से ही एक मशीन बनाया जिसको मल्टीप्लायर व्हील बोलते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते थे. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल इंजन. इन द ईयर 1834 चार्ल्स बेबेज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन फर्स्ट डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर बाय डिजाइनिंग अ कैलकुलेटिंग मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन.
ईस्वी सन 1834 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की डिज़ाइन तैयार की, जो एक कैलकुलेटिंग मशीन था जिसको हम एनालिटिकल इंजन कह सकते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पिक्चर एनालिटिकल इंजन का है। तो और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये कंप्यूटर की डिज़ाइन बनाई है चार्ल्स बेबेज ने, वही डिज़ाइन के आधार पर आज के कंप्यूटर भी बनते हैं और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर द एनालिटिकल इंजन हैड एन इनपुट डिवाइस। आज के कंप्यूटर की जैसे ही एनालिटिकल इंजन के पास इनपुट डिवाइस था, अ यूनिट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, मेमोरी बैंक एंड एन आउटपुट डिवाइस, और उसके साथ कंट्रोल यूनिट यानी कि CU भी था, मेमोरी बैंक्स भी थी और आउटपुट डिवाइस भी था। अनफॉर्चुनेटली बेबेज कुड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मशीन। लेकिन ये एक बदनसीबी रही कि चार्ल्स बेबेज ये मशीन को पूरा नहीं कर पाए। हाउएवर ही इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन फिर भी वो फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ये वीडियो में। नेक्स्ट हम ऑनलाइन क्लास में पंच कार्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास में मज़ा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।